दैट इज माइंड, ठीक है, क्या लिखा, दैट इज माइंड, मेरा है वो, नो इट्स माइंड, नहीं नहीं ये मेरा है, आपस में लड़ रहे हैं। तो माइंड का मतलब पोसेशन को दिखाता है, जो अधिकार को बताता है, मतलब उस पर मेरा अधिकार है, अंडरस्टैंड। इंग्लिश सब टाइटल के साथ अगर रामायण आप देखते हैं तो इसमें दो बेनिफिट है, पहला कि आप अच्छा चीज देखेंगे, गलत को हर चीज आप नहीं देख रहे हैं, सीखने वाला कोई चीज देख रहे हैं, और दूसरे साथ उसके साथ एंजॉयमेंट के साथ आप इंग्लिश भी सीख ले रहे हैं। इसीलिए आप समय निकाल करें कभी कभी एक आध घंटा, अगर मोबाइल आप रखते होंगे तो एक घंटा इंग्लिश सब टाइटल के साथ इंग्लिश रामायण देखिए, और उसको हिंदी में पहले सुनिए और फिर इंग्लिश में उसको पॉज करके देखिए, और देख करके उसको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप लगातार इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस आप चुटकी भर में ऐसे ही सीख लेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। उसी दिन तो इन लोगों का यज्ञ बड़ी संस्कार भी है, और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम भी चले। Yes, then they will go to गुरु वशिष्ठ हर्मिटेज। तो हर्मिटेज मतलब क्या होता है, आश्रम। और they will go माने चले जाएंगे वशिष्ठ जी के आश्रम में। तो हर्मिटेज वर्ड याद हो गया ना? Yes, sir। इतनी जल्दी? So soon, इतना जल्दी? इन लोगों के बगैर तो राजमहल सुना हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द पैलेस विल बी डिसोलेट विदाउट देम। उनके बिना जो पैलेस है क्या हो जाएगा? सुना हो जाएगा। निर्जन हो जाएगा, सुना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना। देखिए आप महाराज से कहिए ना, टेल द किंग, क्यों नहीं समझ में आएगा? टेल द किंग, नो दिस कांट बी स्टॉप, रुका नहीं जा सकता। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ मान, दिस इज द बेस्ट टाइम, यही समय सही है जब आप विद्या आरंभ कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन। अंडरस्टैंड? बिगिनिंग माने शुरुआत, एजुकेशन माने शिक्षा। हर चीज आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जहाँ कहीं दिक्कत हो रहा हम लोग है ना। यस सर। अब हम लोग से अगर पूछेंगे सर ये बात समझ में नहीं आया, माना जाता है गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव हैज कमांडेड, आज्ञा दिया है, दैट दिस इज द डे। आगे कुछ और लिखवे करेंगे, यही दिन है, उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। तुम्हारा क्या होगा? संस्कार धारण करके चारों वही ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हम सब और आम भी छुए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे। उसकी तुलना में ज्यादा आम देंगे। तो जो हम कहना चाहते थे आप लोग समझ गए? yes, यही बात है भाई लोग, देखिए एजुकेशन जो शिक्षा होता है ना, जो शिक्षा होता है उसको आप अगर टेंशन में लेना चाहेंगे ना तो आप नहीं ले पाएंगे। खेल खेल में सीखना है, हर कोई वीडियो देख के सीख लिए, सड़क पर सीख लिए, कोचिंग में सीख लिए, सीखने का नाम हर जगह सीखते रहना है।